कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज वेल। तो देख लीजिए, सरकारी नौकरी अगर आप तलाश कर रहे हैं तो IOCL में आप वैकेंसी निकली है, IOCL में आप अप्लाई कर सकते हैं। IOCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये पूर्ण रूपेण जो है सरकारी नौकरी है, भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, लेटेस्ट जॉब ओपनिंग जो निकली है वो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल 2023 एट गुजरात रिफाइनरी एंड हल्दिया रिफाइनरी। अगर गुजरात रिफाइनरी और हल्दिया रिफाइनरी में इन्होंने लेटेस्ट जॉब निकाली है नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए, तो इसका देख लीजिए एडवर्टीजमेंट क्या है, कैसे अप्लाई करना है आपको, एप्लीकेशन फीस क्या पड़ेगी। अगर आप SC ST हैं तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो कैसे निकलेगा, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसे निकलेगा, EWS इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसे निकलेगा, सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड ऑफिशियल फॉर्मेट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और ये अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं, अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो भी समझ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखाई देता हूँ, इनका जो एडवर्टीजमेंट निकाला है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, कितनी सैलरी देंगे और क्या एज लिमिट है और लास्ट डेट क्या है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल है। इन्होंने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट PNU, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट PNU एंड OND, ठीक है। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें तो ये गुजरात के लिए, जो गुजरात रिफाइनरी है उसमें 47 वैकेंसी इन्होंने टोटल निकाली हैं, जिसमें 20 जनरल की हैं, EWS के लिए 4 हैं, वहीं SC के लिए 3 हैं, ST के लिए 7 हैं और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 वैकेंसी हैं। उसी तरह हल्दिया में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के लिए 7 हैं, 2 जनरल की हैं, 1 EWS की है, 2 SC की है, ST के लिए 0 हैं, वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 वैकेंसी निकाली हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट गुजरात के लिए 7 वैकेंसी है टोटल, जिसमें जनरल की 3 है, EWS की 1 है, 1 आपकी ST की है, SC के लिए 0 है और 2 जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। इस तरह हल्दिया के लिए 4 है टोटल वैकेंसी। अब आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है। अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट कोड 201 है, 3 साल का डिप्लोमा इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में मांगा है, केमिकल टेक्नोलॉजी में मांगा है, रिफाइनरी में मांगा है, इनमें से आपके पास होना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है केमिकल का तो 3 साल आपने BSc की है और आपके पास मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर ये सब्जेक्ट में आपने BSc की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर PNU यूनिट के लिए गुजरात रिफाइनरी के जो 202 पोस्ट कोड है उसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा इन्होंने मांगा है, लेकिन मैकेनिकल में मांगा है, ठीक है। मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो, या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा नहीं है तो आपकी मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने BSc की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लें कि वर्क एक्सपीरियंस क्या मांग रहे हैं। ये तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए ये 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ पंप हाउस, फायर हीटर, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंज और पेट्रोलियम रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, केमिकली, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनमें से आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आप देख लीजिएगा, डिस्कशन मैंने लिंक दे दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रखा है उसका इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उस कंपनी में जहां पे आपने काम किया वहां से सर्टिफिकेट आपको एक दिखाना पड़ेगा इनको। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं तो भी अप्लाई करना है आपको, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। अब एज लिमिट की बात कर लें तो देखिए, मिनिमम 18 साल रखी है, मैक्सिमम इन्होंने 26 साल रखी है। ये अनरिजर्व के लिए है, यानी कि जनरल के लिए है। 30 अप्रैल 2023 को अगर आप जनरल में आते हैं तो आपकी मिनिमम या मैक्सिमम 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
वहीं पर एससी एसटी ओबीसी के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा, एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, ठीक है, और एससी के लिए 5 साल, सॉरी, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल का मिलेगा आपको एज रिलैक्सेशन। अब देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज रिटन टेस्ट एंड स्किल प्रोफेंसी फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका रिटन टेस्ट का वो देख लीजिएगा, सब्जेक्ट नॉलेज अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं तो उस सब्जेक्ट 75 मार्क्स का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 15 मार्क्स का आएगा, जनरल अवेयरनेस का 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट, अगर आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए रिटन टेस्ट में, तब आगे का प्रोसेस आपके साथ होगा। ये पूरा आप देख लीजिए, अप्लाई के लिए इन्होंने बता ही दिया है, अप्लाई प्रोसेस क्या है, अप्लाई में आपको इनकी वेबसाइट पे जानना है, ठीक है, रिक्रूटमेंट में जाके आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरा है, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, अगर कोई इश्यू आता है तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं, जो मदद होगी हम ऑनलाइन आपकी हर मदद करवाएंगे। और लास्ट डेट जो है वो 30/5 है, यानी कि 30 मई 2023 को शाम 5 बजे तक आपका ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बाद कोई मान्य नहीं होगा, इनकी ऑनलाइन विंडो बंद हो जाएगी, ठीक है। अब ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आपका डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई जरूर करिएगा। इन्होंने देखिए क्यूरी के लिए नंबर भी दिया है, गुजरात रिफाइनरी का और हल्दिया रिफाइनरी का, आपको कोई क्यूरी पूछती है, कोई दिक्कत आ रही है आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन में या डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आप यहाँ कर सकते हैं, इन्होंने मेल आईडी भी दी है, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए और आपको लगता है कि रोजगार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इस तरह आपको डेली अपडेट मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।